Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बात जो है वो लोगों के सामने खुल के आ जाएगी. अब कितने साफ और नेक और पाक बाज हैं ये पता चल जाएगा. तो दुआ करें कि रेहाम खान की जुबान और गुले लई का ब्लैकबेरी बंद ही रहे. और दूसरा जो है जहांगीर तरीन साहेब, जो कि लेक्चरार हुआ करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, कोई पाकिस्तान में उस्ताद लेक्चरार या प्रोफेसर उसे 12 मरले का घर नहीं बनता. और ये साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में 12 मरले 12 कनाल या 12,000 कनाल नहीं, 18,000 एकड़ इनके पास है. इनके पास पाकिस्तान नहीं, जनूबी एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल इनके पास है. ये लेक्चरार जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी का लेक्चरार था, और पाकिस्तान के लेक्चरार तो 12 मरले का घर ना बना सके, इन्होंने यूके में 12 मरले नहीं, 12 कनाल नहीं, 12 एकड़ पर अपना घर बनाया. और कहते हैं वो बताना जरूरी नहीं है. ये मुशर्रफ के लाडले, जिनको मुशर्रफ सपोर्ट भी करता रहा और नजायज तौर पर प्रोटेक्ट भी करता रहा, ये कहते हैं इन पर कोई कानून नाफज नहीं होता. किसी की 15,000 की तनख्वाह छुपाई जाए तो उसको सजा दे दी जाए. इनका 18,000 एकड़ हो या 12 एकड़ पर मोहित महल यूके का, अगर वो ये ना बताएं तो इनको कुछ ना कहा जाए. और इनके मुलाजम जो हैं वो इतने अमीर हैं, इनका कोक इनका माली होता ये है कि मालिक जो है वो मुलाजम रखता है. लेकिन जहांगीर तरीन के केस में लगता है कि मुलाजमों ने मालिक रखा हुआ है. यानी मुलाजम इतने अमीर हैं कि वो जब चाहे कोई मालिक रख लें. करोड़ों पति मुलाजम जिसके हैं उसने कितना लूटा होगा. और वाइट कॉलर क्राइम का सरगना और स्पेशलिस्ट वो जहांगीर तरीन है. इसी वजह से ये लेक्चरार से खरबपति बना है. इसने इसी तरह के वाइट कॉलर क्राइम से अपने भाइयों का हक छीना, अपने माँ बाप से उनकी जायदाद छीनी, अपने ससुराल से उनका हक छीनने की कोशिश की. ये सिर्फ पढ़ा लिखा हुआ जालसाज है जो पाकिस्तान के वाइट क्राइम का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट है. और यहाँ बात करते हैं जहांगीर तरीन साहब के वकील अदालत में कहते हैं कि हमारी ऑफशोर भी हलाल है, हमारा ट्रस्ट भी हलाल है, हमारे गिफ्ट भी हलाल हैं. ये अपने मुलाजमों को करोड़ों दें या मुलाजम इनको अरबों वापस करें, वो गिफ्ट हलाल है. लेकिन शरीफ फैमिली कोई बाप बेटों को या बाप औलाद को और औलाद बाप को कुछ दे तो वो हराम है. इनकी ऑफशोर हलाल है, इनका ट्रस्ट हलाल है. कहते ट्रस्ट को बताने की जरूरत नहीं है, क्यों छुपा रहे हैं अगर उसके अंदर कोई गैर कानूनी चीज नहीं. आपका ट्रस्ट भी हलाल, ऑफशोर भी हलाल, गिफ्ट भी हलाल, क्योंकि आप मुशर्रफ के साथ ही हैं. देखना यह है कि मुशर्रफ आज भी क्या इतना ताकतवर है, या उसकी सोच और उसका नजरिया कि उसके इस तरह के करप्ट साथी बच सके कानून से, या अब कानून इतना ताकतवर हो चुका है और अदारे के वो इस तरह के वाइट कॉलर